नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं RPSC RS MSSB अपडेट 9 बजे की बड़ी खबर। सेकेंड ग्रेड HMSI NTT प्रयोगशाला सहायक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक विद्युत हेल्पर सेकेंड परीक्षा परिणाम को लेकर बहुत ही बड़ी खबर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर भी छोटी या बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, परीक्षा परिणाम आता है, एडमिट कार्ड जारी होते हैं, या फिर राज्य सरकार या भारत सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आती है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल के ऊपर दी जाती है। तो दोस्तों, अभी तक भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, ये कल रात 9 बजे की खबर है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 9000 पद, कृषि पर्यवेक्षक 1832 पद, हेडमास्टर भर्ती 2018 1200 पद, ASI भर्ती 2018 1330 पद, NTT 1310 पद, प्रयोगशाला सहायक 1200 पद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर 309 पद और विद्युत विभाग हेल्पर सेकंड में 2412 पदों पर परिणाम का इंतजार है। दूसरी खबर है, जयपुर MBC EWS के फेर में अटकी पड़ी है करीब 1 दर्जन भर्तियां। करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी जारी नहीं हुआ है परिणाम। MBC और EWS आरक्षण को लेकर अभी तक चल रहा है मंथन। RPSC और RS MSSB की 1 दर्जन भर्तियों के परिणाम का इंतज़ार। तो दोस्तों, आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम है वो बिल्कुल तैयार है। जैसे ही आरक्षण का समाधान हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी RPSC और RS MSSB के परिणामों को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट, जो आपके लिए जाना बेहद ज़रूरी था। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।